तो लगता है जैसे मुझको खुदा मिल गया। जल तो रहा था मैं गुमशुदा सा, अब रास्ता मिल गया। लफ्ज बुनकर पेश कर दूं अगर महफिल में जान अभी बाकी है, सुनने वाले अगर जाग रहे हैं तो मुझ में जान अभी बाकी है। कहते हैं जब आपकी लाइफ खत्म होने वाली हो तब आपकी सारी लाइफ आपकी आंखों के सामने गुजरती है। झूठ बोलते हैं मेरी आंखों के सामने सिर्फ और सिर्फ मेरी बेबाकी थी। तो लगता है हमें ये गलत फहमी है कि हमारी कहानी हम खुद लिखते हैं, पर हम भूल जाते हैं कि ऊपर वाला हमारा स्क्रीन प्ले लिख रहा होता है और पता नहीं उसे हमारी बेबाकी में क्या मजा आता है। कायनात मेरी बेबाकी, शुरू होने का दिन याद नहीं पर वो पल याद है जब मैं और कायनात मिले थे और हमारे रास्ते टकराए थे। मेरी बेबाकी की शुरुआत। कहाँ हो? देखो मुझे आज वेटिंग वेटिंग नहीं खेलना, ओके? वक्त पे आना मेरी फितरत नहीं है, तो जल्दी क्यों? जल्दी तो है। एनीवे, स्ट्रॉबेरी या चॉकलेट? व्हाटएवर सूट्स योर फैंटेसी। मैं तो आज बहुत पीने वाली हूँ। क्लिट बेब। हाय मैम, योर गुड नेम प्लीज। कायनात। कायनात। कायनात साहनी। एंड डू यू हैव बुक द टेबल अंडर द नेम ऑफ सुफियान अब्दुल्ला? बहुत कमाता हूँ। डेंजर ही डेंजर सिचुएशन है ये। बड़ी मछली और छोटी मछली की स्टोरी सुनी है? आमदनी या ठनी खर्चा रुपये 50 पैसे है मेरी सैलरी, 50 पैसे कैन यू गेट अ जमाने में? देखिए जो बड़े बड़े लोग होते हैं ये बड़े बड़े कंपनीज में काम करते हैं और हम जैसे छोटे छोटे लोगों को छोटे छोटे डॉट कॉम्स में काम करना पड़ता है जहाँ सैलरी नहीं होती है। खुद तो ये एडवर्टाइजिंग पे चलते हैं, हम कितनी भी अच्छी स्टोरीज देते पर अच्छी स्टोरी में इंटरेस्ट किसको है? मैम एनीथिंग एल्स? श्योर। दो अड़ाना बॉस। श्योर। तुम दोनों क्या पियोगे? आई थॉट इट्स फॉर अस। बॉस 4 ग्लास ले आओ। श्योर। ठीक है। तो दारू सिर्फ पीती है बिल्कुल वर्जिन मोहित हुई। That's my choice यार। ज़्यादा सेव करके रखेगी ना तो एक्सपायर हो जाएगा। It's a petty pack bro. Even petty pack has an expiry date honey. You know what? I need to use a washroom darling. Sure. Excuse me, Mr. and Miss Extra Happy Hormones. ये एक public place है? ये cubicle मेरा है. Get a life. Yes, as if you own this place. नहीं. But usually I own the place where I stand in. You rich entitled fuck. Ma'am, it's a free world. आप जा सकती हैं. You know what? You are standing in this lady's washroom. You need to fuck off. किस दुनिया में मैडम? आजकल दुनिया लोग सूट हो गई।
We are in a unisex world. You guys get a life. बाहर रुक के हमारा गाना सुन रहे हो? I think you need to get a life. Excuse me, Mr. Manager. Yes, ma'am. वहाँ ladies washroom में एक couple. हाँ जी मैम बोलिए. Disgusting चीजें कर रहे हैं. Please, it's a public place. Do something about it. Extremely sorry for that, ma'am. Fuck my life. I just crossed an eye by a horny couple in the washroom. और मुझे ये नहीं पता कि मेरी कल जॉब बचेगी या नहीं बचेगी. Cheers, guys. Relax. Relax. You need to calm down. Just wish next time it's me inside the cubicle, not outside doing the couple kachugli. You will be, babe. Stop laughing, you guys. Let's go. तो मुझे सर आपके अंदर सर वो एक्चुअली वो लड़की कंप्लेन तो साउंड प्रूफ फॉल करवा लेंगे. संडे सर स्टाफ काम कर रहा. सर थैंक यू सर. सूफी हमें बर्बाद करना है तो हमसे प्यार करो. नफरत करोगे तो खुद ही बर्बाद हो जाओगे. न्यूज समाचार खबरें ये सोसाइटी की अच्छी हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. मेरे अब्बा आदिल अब्दुल्ला और फराज चातू यूनाइटेड इंडिया मीडिया एम्पायर के ओनर्स हैं. आपके घर में जो खबर आती है वो हमारे यूनाइटेड इंडिया के पेपरों में पहले छपती है और जैसे आपके घर आती है वैसे ही हमारे घर आती है. फर्क सिर्फ इतना है कि उसे लिखते हैं. मैडम टी ग्रीन टी. आई थॉट आई सेड आई वांटेड रोज ग्रीन अंडी. आज की क्या खबर है? इम्तियाज का कुछ पता चला या फिर वो भी मुझे सूफियान से पूछना पड़ेगा. पहले तो बाप दोस्त थे अब बेटे भी दोस्त हो गए. खुद के बेटे के बारे में जानना हो तो मुझे सूफियान से पूछना पड़ता है. इतनी बड़ी गहरी दोस्ती है इन दोनों में. आज वो ऑनलाइन पोर्टल का लॉन्च है और ये दोनों दोस्त उसे सीईओ बनाना चाह रहे. इम्तियाज होता तो भी क्या फर्क पड़ता. वो तो खुश रहता. उसका दोस्त का काम आगे बढ़ रहा है. इसमें ब्लडी फोन. आपके वर्जी 70% कंपनी ओन करते हैं फिर भी आदिल सर के बेटे को सब मिल रहा है. ओ एंडी बुक क्लब में बता देना कि मैं 4 बजे के पहले नहीं पहुंचने वाली हूँ. इम्तियाज है कहाँ? कल से ट्राई कर रही हूँ. He's in some goddamn jungle in Africa. एक बार उसे आने दो फिर देखते हैं कौन सीईओ बनता है. फराद भाईजान जूस को ऐसे नॉन ब्यूटीफुल लुक्स देने की कोई जरूरत नहीं है. ये सेहत के लिए बहुत अच्छी चीज है. राहुल बाबा को दे दो. आपको पता है महीने के 4 लाख रुपए लगते हैं डाइटिशियन के और उसने कहा है कि काले का जूस सेहत के लिए. हाँ वही तो बोला केल का जूस सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है. ये हम तभी पियेंगे जब आपके शौहर हमारे साथ पियेंगे. Yeah, last night was really great. Yeah, I know. फरहाद भाई आप समझाइए ना उन्हें. आप क्यों बहाने बना रहे हैं? मैं? हाँ. आप खुद ही समझाइए. आ जाओ भाई. सलाम अलैकुम. वालेकुम सलाम. अल्लाह आप लोग सुबह सुबह ये ब्रेकफास्ट खाएंगे तो वो जो डाइट्स मैंने सोचे थे उनका क्या? नाराज मत हो आज बहुत ही उम्दा दिन है. आज हमारा सूफिया इंटरनेट पे डिजिटल चैनल लॉन्च करने वाला है. कौन सी खबर से लॉन्च करने वाला था भाई? तुझे पहले बताएगा. बेटा मेरा है पर पता तुझे होगा. एक्चुअली पता हम दोनों को नहीं. पता उस इमी को होगा जो वहाँ अफ्रीका में बैठा है या फिर उन दोनों छोटों को. अमेजिंग है ना इतने सालों की दोस्ती के बाद असंस आर विनिंग द बेस्ट फ्रेंडशिप ऑफ द ईयर अवार्ड फ्रॉम अस. नहीं नहीं इट्स नॉट पॉसिबल. हमारी दोस्ती जैसी किसी की नहीं. आपकी वाइफ हैप्पी है ना? मतलब सूफियान ये चैनल. हम बेटों में फर्क नहीं करते. इस घर में 4 बेटे और 1 बेटी. तो दुनिया का कोई भी इंसान ये नहीं कह पाएगा इसके बेटे और मेरे बेटे कौन से. उनमें कौन बड़ा कौन छोटा कोई फर्क नहीं पड़ता. हम दोनों दोस्त. हम दोनों के बड़े बेटे दोस्त. हमारे छोटे बेटे भी दोस्त. ये ना दुआ से मिला है हमें. माशाल्लाह माशाल्लाह. मेरे बेटे राहिल का क्या होगा पता नहीं. हम दोनों बेटों में फर्क नहीं करते. गॉड जीजी आई वुड हैव फायर्ड द राइटर. दिस वाज अ सोप ऑपरा. एंडी बाय. आप मनीष के शो में आओगे? Darling.
तुम्हें शुक्रगुजार होना चाहिए कि खुदा ने बहुत कम लोगों को तुम्हारे जैसा चेहरा और दिमाग दिया है। बहुत उम्मीद है तुम्हारे अब्बू अम्मी की और उससे ज्यादा तुम्हारे फराज चाचू को। लो, हैंगओवर चला जाएगा। चाचा, मोबाइल गिर गया होगा यहीं कहीं रात को अय्याशी करते वक्त। यहाँ लड़कियां रात भर, ये सब क्या है? मैं किसी को घर पे नहीं लाता, अब्बा नहीं हूं मैं। हेलो। हाँ अमित, तेरे फ्रंट पे क्या चल रहा है? अरे भाई, व्हाट नंबर इज दिस? किस फोन से बात कर रहे हो? अरे फोन नहीं मिल रहा यार। सोफिया मिल गया। ओके सुन, तू ट्रेनर के पास जा, मैं साइकाइट्रिस्ट के पास जाता हूँ। यस भाई। अच्छा सुन, जिस स्टोरी के साथ हम यूनाइटेड इंडिया लॉन्च कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं नहीं चाहता उसके बारे में किसी को पता चले। बहुत लोग हैं मेरे पीछे। भाईजान, यू नो आई कैन डू एनीथिंग फॉर यू। ओके भाई, लव यू, अल्लाह हाफिज। सिर्फ हामिद को पता था कि मेरी एक्सक्लूसिव स्टोरी क्या थी। एक ऐसी एक्सक्लूसिव स्टोरी विच विल ब्रेक द डिजिटल वर्ल्ड। ये किसका फोन है यार? ये किसका फोन है? हरलीन, पलक, बेबी, कल रात जो हमारे बीच में हुआ, हमारी फर्स्ट डेट पे, आई नो आई हैड सेक्स विद यू, पर इसका मतलब ये नहीं था उनका। वाओ, दी यू हैड सेक्स ऑन योर फर्स्ट डेट? ओह माय गॉड, मुझे तो एम ही लगता कि आप नन रिजॉइन करने वाली हो, बट टुडे योर हैशटैग इज टू गो। मुझे बताओ ना, वाज इट लाइक 2 मिनट नूडल और 3 आवर लॉन्ग मूवी? हरलीन, मैंने कुछ नहीं किया। व्हाट? ये मेरा फोन नहीं है। एंड गेस व्हाट, इस लड़की ने टेक्स्ट किया था शी हैड सेक्स ऑन फर्स्ट डेट। अब ये कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, ऑफ कोर्स वो इसकी कॉल्स आंसर नहीं करेगा। दैट्स सो प्रूड या। आओ, तुमने कभी किया सेक्स ऑन डेट 1? एक्सक्यूज मी, आई एम नॉट इवन आंसरिंग दैट क्वेश्चन। और एनीवे, अभी आपका मेन फोकस होना चाहिए अपना फोन ढूंढना, ना कि मेरी सेक्स लाइफ डिस्कस करना। ओह प्लीज, व्हाट द हेल, वेयर इज माय फोन? उठाओ। सूफी, व्हाई आर यू ट्राइंग टू अवॉइड मी? सूफी, आई नो कि मैंने इनिशिएट किया था, बट वी हैड अ सेक्स ऑन आवर फर्स्ट डेट और तुम मेरे मैसेजेस का रिप्लाई ही नहीं कर रहे हो। क्या मैं तुम्हारे लिए एक बैम बैम थैंक यू मैम वाली हूं? सी सूफी, इट मीन्स समथिंग फॉर मी and I hope it meant something for you too. और वैसे भी तुम्हें पता है ना, मेरी मॉम और आंटी, they are friends, okay? Listen. Miss Rajasthani Express. Who the hell are you? Please give the phone to Sophie. और वैसे भी listen, मैं स्टाफ से बात नहीं करती हूँ। Oh boss, एक मिनट, तुम अपने बेबी को संभालो, मुझे बस इतना जानना है तुम्हारे बेबी का नाम है क्या? Weirdo, just tell Sophie to call me, okay? ज़्यादा बकबक करने की ज़रूरत नहीं। किसका फोन था ये दी? है कोई सूफी सफा करके कोई बड़े बाप का बेटा। And guess what? उसकी मॉम का नाम है आंटी डी। माइज आंटी डी एंड बेटा इज अंकल डू। अच्छा चलो, मैं निकल रही हूँ एंड होपफुली आज बॉस का मूड अच्छा हो। अरे वो सुफियान है ना, एक नया ऐप लॉन्च कर रहा है। सुफियान अब्दुल्ला फ्रॉम यूनाइटेड मीडिया नेटवर्क। पता है वो बहुत बड़ी स्टोरी के साथ लॉन्च कर रहा है। वो शिकावत है ना, उसके बारे में कुछ है। शिकावत मिनिस्टर? रिजाइन कर रहा है, कह रहे हेल्थ इश्यूज है, बट आई एम श्योर डिवोर्स का चक्कर है। हर जगह हर समय हर न्यूज अब उन्हीं की होगी। शिखावत, सुफियान, मैंने इनिशिएट किया था, बट वी हैड अ सेक्स ऑन आवर फर्स्ट डेट और तुम मेरे मैसेज का रिप्लाई ही नहीं कर रहे हो। सर, ये सुफियान दिखता कैसा है? ही इज गुड लुकिंग, दोस्त है मेरा, बट वी आर राइवल्स आल्सो। Sir, have you heard of serendipity? Sir, what if star-crossed lovers are not star-crossed lovers but star-crossed enemies? और सामने से आकर आपको स्टोरी दे दे? अरे सर, स्टोरी मिल गई है। क्या? What? I guess ये सुफियान का फोन है। मैं उसका फोन खोल नहीं पा रही हूँ, पर वो टॉप पे फ्लैश कर रहे हैं, देखिए। सुफियान मेरा दोस्त है, मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूँ, वो तुम्हें अपना फोन। अरे सर, कल रात को। सर, इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, मैं आपको बाद में बताती हूँ। शिखावत का उसके ट्रेनर के साथ अफेयर चल रहा है, पर मुझे प्रूफ चाहिए होगा। आई लीव। अरे सुनो, इफ यू गेट दिस स्टोरी बिफोर सुफियान, वी विल बी बिगर देन हिम। सर, मैं फिटप्रेशन जिम जा रही हूँ और मैं रूही के फोन से आपको अपडेट करती हूँ। आई एम ऑन इट। वन मोर, या जस्ट डू वन मोर। वेरी गुड, वाओ सुशील, यू रियली ट्रेन वेल। थैंक यू। आई हैव हर्ड अबाउट यू यार, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। यू आर वेरी गुड एट मसल बिल्डिंग यार। सर ऐसी कोई बात नहीं है, बस थोड़ा शौक है।
सर सर वैसे तुम्हारे जैसे ट्रेनर वहाँ पर है ही नहीं। आई थिंक यू शुड ज्वाइन माई जिम। अरे काम करो ना यार, आज हमारी पार्टी में आओ और मेरे भाई और दोस्तों से मिलो और उनको कल से ट्रेन करना शुरू कर दो। ओके सर, इफ यू इंसिस्ट। सर गिव मी अ मिनट। शील, यहाँ पे नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या? हाँ सर, यहाँ नेटवर्क का इशू है क्योंकि यहाँ लोग वर्कआउट से ज्यादा फोन यूज करते हैं जैसे आप कर रहे हैं, सो हमने नेटवर्क ब्लॉक कर दिया। भाई ट्रेनर से बात हो चुकी है, शिकावत के सामने उसे एक्सपोज करेंगे। आप सेरिना साइकेट्रिस्ट के पास बेफिक्र जाओ। थेरेपिस्ट का क्या चक्कर हो सकता है? हामिद, I've been wanting to work out with you यार। इस जिम में क्या कर रहे हो तू? तेरी तबीयत तो ठीक है? Are you okay? सुशील, राहिल, राहिल सुशील, he is my new trainer। Hi। सुशील, yeah? तुम्हारे घर से फोन है। Yeah, one second। अच्छा मैं अभी आता हूँ। But I'm very excited for the party today। ये सेट हो जाने के बाद दूसरा सेट हो जाए तो उनको फोन दे दो, ठीक है? See you। साले नौकर को पार्टी पे बुला रहा है। अरे बुलाना पड़ रहा है, सूफी भाई का काम कर रहा है। ट्रेनर को पार्टी पे बुलाया है? कोई बताएगा मुझे? अरे सूफी भाई ने मुझे भेजा था। सबको लगा कि कल रात सूफी भाई किसी लड़की के साथ थे, पर बात कुछ और थी। शिकावत? Forget about him ना। हाँ, वो मेरा क्लाइंट है, बहुत प्राइवेट इंसान है बेबी। दुनिया में ना उसको सिर्फ दो लोग जानते हैं, एक yours truly, me, और दूसरा आई थिंक उसका कोई फिट्सपिरेशन वाला पर्सनल ट्रेनर है। That's interesting. वो सिर्फ ट्रेनर है या? सूफी, I'm a psychiatrist. I can't break client-doctor confidentiality. अच्छा मुझे तुम्हारा कल एक सेशन चाहिए, मिलेगा? पक्का? पक्का। Bye. मेरा शक सही निकला। शिकावत का उसके ट्रेनर के साथ चक्कर है, इसलिए उसकी बीवी छोड़ रही है और इसलिए वो रिजाइन कर रहा है। तू जा उसके ट्रेनर के पास और मैं जाऊंगा उसके साइकाइट्रिस्ट के पास। भाई हम ट्रेनर को एक्सपोज कर देंगे? कोई एक्सपोज नहीं होगा। तो ये बात भी मुझे भी बता सकते थे ना यार, मैं भी सिर्फ हेल्प ही करता। अरे सूफी भाई और मैं 4 बजे तक काम कर रहे थे और तू 4 बजे तक पार्टी कर रहा था, तू बता कैसे बताता तुझे? एक्सक्यूज मी, वेयर इज सुशील? सर सुशील की बहन आई थी, उसी के साथ वो तो तुम्हें पार्टी में बुलाया है। लेट मी टेल यू सुशील, वैन पे शिकावत और तुम्हारे रिश्ते को एक्सपोज करके पूरी दुनिया में धज्जियां उड़ा देंगे। मिनटों में तुम्हारे बारे में सबको पता चल जाएगा। आर यू श्योर यू वांट टू कम आउट ऑफ योर क्लोजेट नाउ? ऑफ कोर्स नॉट मैम, मेरी फैमिली बड़ौदा में रहती है, वो मैं इनको कुछ नहीं बता सकता और वो ये बात सुन भी नहीं पाएंगे। मैम सर और मेरी दोस्ती बस कुछ ही दिन पहले हुई थी और शिकावत तो ही जस्ट फेल इन लव विद मी। वो तो अपनी पोजीशन, अपनी वाइफ सबको छोड़ना चाहता था, पर मैंने ये सब होने नहीं दिया। मैम प्लीज, ये बात ना हमारे और आपके बीच होनी चाहिए, किसी और को। डोंट वरी, हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे और NDA साइन करेंगे हम जिसमें तुम्हारा नाम नहीं आएगा। यू हैव नो आइडिया मैं तुम्हें कितनी मुश्किल से बचा रही हूं। मैं फिर भी तो आप मेरी स्टोरी बाहर निकाल ही रही हो ना। और तुम्हारे नाम के बगैर, लिसन, जिस तरह से हम तुम्हारी स्टोरी लिखेंगे वो तुम्हारी स्टोरी नहीं लिखेंगे, इसमें हम इमोशनल एंगल भी डालेंगे। शिकावत का गे होना गलत नहीं है, पर उसने अपनी पोजीशन छोड़ दी एंड वही स्टोरी का फोकस होगा। तुम जानते नहीं हो यूनाइटेड न्यूज नेटवर्क वालों को, स्पेशली दैट सुफियान अब्दुल्ला, इज अ शार्क। वो खा जाएगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, ट्रस्ट मी। ओके। या? मैंने सुशील को सेफली रखा है और मैं उस थेरेपिस्ट के पास जा रही हूँ जहाँ शिखावत जाया करता था। आई थिंक सॉलिड प्रूफ मिलेगा। अब देखते हैं कि सुफियान अपना लॉन्च कैसे करेगा। What were you doing? Nothing, I was just missing you. Then forget coffee.
अरे ये तो मेरा फोन है, और शिखावत के अगेंस्ट मुझे जो प्रूफ चाहिए था वो मेरे फोन में ऑलरेडी है। सूफी, सूफियान अब्दुल्ला, यू एंटाइटल्ड फक, इट्स ट्रू कि तुम्हारा दिमाग तुम्हारी पैंट्स के अंदर है। I have taken my phone back. Thanks. So, one more session. Got some work to do. I'll see you later. Now. Story ready है। Good, I'll upload it. Sir, biryani खाने चलेंगे? हम सब जा रहे हैं। No thanks. You sure? Yeah, yeah. You sure? Okay. Yes. 25 साल हो गए United India को। खबरें बदलती गईं, पर खबर देने वाले कभी नहीं बदले। जो खबरें पेपर पर छपती थी, अब वो मोबाइल पे पहुंच चुकी हैं। यहाँ सब जश्न मना रहे हैं, पर सबकी नजर मुझ पे है। कुछ लोग हैं जिन्हें लगता है कि मैं इस ऑनर का हकदार नहीं हूं, कुछ लोगों को लगता है कि मैं नाकामयाब हो जाऊंगा, और यहां पर कुछ लोगों को ऐसा भी लगता है कि मैं यहां अपनी तकदीर की वजह से हूं। पर वक्त ही बताएगा कि मैं क्या करने वाला हूं, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या सोचते हैं, क्योंकि खैरात में तो सिर्फ भीख मिलती है, राइट? और भीख मैं लेता नहीं। इज्जत और हक दोनों कमाने पड़ते हैं, और ये सब दिखाना बनता है सिर्फ उस एक इंसान को जिनकी वजह से आज मैं जैसा हूं वैसा हूं, मेरे अब्बा। सूफी काफी स्ट्रेस लग रहा है। वसीम भाई, सब ठीक तो है ना हमारे सूफी के साथ? हाँ सब ठीक है रशीदा अब्बा, आप तो जानती है ना कि आपका बेटा कभी हारता नहीं। मुझे तो लगता है अगर सूफियान मैसेज, आप हमें इम्तियाज को वापस बुला लेना चाहिए टू हेड द .com कंपनी। आफ्टर ऑल वी आर 70% ओनर्स ऑफ यूनाइटेड। सुबह आदिल ने बेनजीर को समझाया था, अब तुम भी समझ लो कि मैंने कभी अपने बेटों में और आदिल के बेटों में फर्क नहीं किया। सूफी इम्तियाज के लिए एक्साइटेड है, और इम्तियाज वहां अफ्रीका में बैठे हुए भी सबसे ज्यादा खुश है कि सूफी सक्सेसफुल होने वाला है। सूफी आएगा और सब पे छा जाएगा। और अगर आज सूफी की हार हुई तो मैं ये कंपनी छोड़ दूंगा। खुद से ज्यादा एतबार है मुझे सूफियां पर। भाई कामयाब तो वो तब होगा ना जब उसके पास ब्रेकिंग स्टोरी होगी। जब ब्रेकिंग स्टोरी नहीं होगी तब तो बड़ा वेरी शेमफुल हो जाएगा। नहीं दीना भाभी, वैसे तो सूफियान मेरा सौतेला बेटा है, लेकिन मेरे राहिल के तो सबसे ज्यादा करीब वो ही है ना। लेकिन बेनू, तुमने अपने पति से पूछा नहीं कि सूफी के पास कौन सी बड़ी स्टोरी है? पूरी प्रेस फ्रेटर्निटी है यहाँ पर, सब जानना चाहते हैं कि ये .com कंपनी कौन सी सेंसेशनल स्टोरी के साथ शुरू होने जा रही है। स्टोरी ब्रेक हो गई। सूफी भाई बहुत बड़ा फकअप हो गया भाई। वो लड़की जिसके पास आपका फोन था, शी ब्रोक द स्टोरी जस्ट फॉर एक छोटी सी .com कंपनी के लिए। रियली सॉरी भाई, बट भाई United Digital, जहां इंडिया का पूरा पेज 3 प्रेजेंट है। Hi, I'm Sufyan from United India. We're Abu और मेरे चाचा ने ये कंपनी बहुत सालों पहले शुरू की थी, और आज हम United India का डिजिटल विंग लॉन्च कर रहे हैं, and it is expected
that I will be the CEO of this new venture. But मेरा सवाल ये है कि हमेशा बेटों को कंपनी क्यों मिलती है? Why do only entitled get a chance to take over the companies? अगर आप काबिल हो, तो ही आपको कंपनी मिलनी चाहिए, वरना नहीं। United Digital को लॉन्च करने के लिए कोई ना कोई स्टोरी चाहिए होगी, राइट? नाइन ओ'क्लॉक न्यूज़, जो इस समय पूरा देश देख रहा है और ये सोच रहा है कि हम लोग क्या स्टोरी ब्रेक करने वाले हैं, राइट? जिससे हमारा डिजिटल नेटवर्क भी नाइन ओ'क्लॉक न्यूज के स्टैंडर्ड्स को अचीव कर सके। और एक्चुअली मेरे पास कोई स्टोरी नहीं है। मेरे पास कोई स्टोरी नहीं। So is this launch a failure according to you guys? No, it's not. Launch story doesn't mean a failure. It's a strategy. इसलिए मैंने ताजा खबर के एडिटर को यहां बुलाया। ये ताजा खबर डिजिटल चैनल के ओनर एंड एडिटर है। इनकी कंपनी ने एक ऐसी न्यूज ब्रेक की है जिसने पूरे देश को हिला दिया। And he owns 100% of the company. आज के बाद वो कंपनी हमारी है। United India is launching its digital arm with the acquisition of Taza Khabar. Together, we would be the biggest digital channel in the country. और रही बात 9 o'clock news की, वो जैसी है, वैसी ही चलती रहेगी। उस मेरा भाई इम्तियाज बहुत जल्द वापस आएगा, and he'll take over. बॉस ने कंपनी बेच दी। सर अब आप क्या करेंगे? इम्तियाज की मदद और साथ ही साथ अपने दोस्त जोई के साथ एज अ सीईओ इस कंपनी को रन करूंगा। इसे कहते हैं बिजनेसमैन ऑफ द ईयर। खबर किसी और की, चैनल किसी और का, पर विक्ट्री सोफिया अब्दुल्ला। Fuck my life. तुझे न्यूज ब्रेक करने से क्या मिलेगा? दोस्त मुझे व्यूज मिलेंगे। I'll get lot of views. तुझे व्यूज चाहिए या पैसे? तो मैं सुफियान अब्दुल्ला इस ताजा खबर के साथ साथ ताजा खबर को भी खरीद लेता हूँ। तुमने हमारी कंपनी टेक ओवर के लिए जस्ट बिकॉज आई ब्रोक द स्टोरी। I'm a sick man. You know what? You are the one who took my cell. You are the one who's following my leads. You are the one who checked my messages. And तुम मुझे morality का ज्ञान दोगी। You know what your problem is? Because I won. मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखी। उसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। You know why? Because बहुत जल्द मैं इस ऑफिस का स्ट्रक्चर चेंज करने वाला हूँ। For that, you're fired.
है जैसे मुझको खुदा मिल गया। चल तो रहा था मैं गुमशुदा सा अब रहा।